जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बड़े अच्छे होंगे आप सब। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, थंबनेल देख के भी पता चल चुका होगा, और सुबह से वीडियोज अपलोड हो रही थी आप सबके लिए लगातार। लाइव तो नहीं आ पाए फिलहाल, वहाँ नेटवर्क इशू था, अन्यथा हम लाइव आते। तो जैसा पता चला आप सबको कि आज मैं आयोग गया था। क्या हुआ आयोग में, मैं पूरा बताऊंगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप वहाँ जा करके ज्वाइन हो जाइए, जो भी नए हैं, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं आभारी हूँ उनका जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनका भी जिन्होंने बिल्कुल डिमोट किया, मुझे बातों से भी डिमोट किया कि तुम लगातार यही करते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो थैंक यू भाई मुझे एडवाइस देने के लिए, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं हमारे, थैंक यू उनको भी। तो आइए काम की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आयोग पर टाइम से पहुँच गए, जैसा कि आप सबको वीडियो भी मिल गया होगा, और स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो भी बना रहे थे, ठीक है। लेकिन जब मैं चेयर पे बैठा था और मुझे फाइनली अंदर जाना था और एंट्री के लिए, तो वहाँ से मेरी वीडियोस क्लोज़ की गई क्योंकि सचिव जी ने साफ कह दिया मोबाइल नीचे कर लो। उन्हें पता चल चुका था कि शायद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। हाँ, तो जब हम आयोग पहुँचे तो सचिव जी थोड़ी देर बाद एंट्री किए, और एक और भी बच्चा आया था, कंप्यूटर ऑपरेटर का था वो, 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइनिंग जिसकी बाकी है, तो वो बच्चा था, हम थे और भी बहुत कई लोग थे। तो एक एक लोगों के एंट्री थी आज, और क्योंकि ऑफिस में बुलाया था उन्होंने, तो पहले कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बच्चा आया, उसके बाद मेरी बारी आई। तो मैंने उससे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, क्या बात हुई, तो उन्होंने भी पूछा कि आश्वासन दिया गया है, और उन्होंने साफ साफ तौर पर ये भी कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चे से कि जिन्होंने भी पैसा दिया है वो बरते नहीं जाएंगे, और अगर पता चल गया तो उन सबको उनको उनकी सज़ा मिलेगी। बट आप लोग कहीं अगर कोई आपसे कहता है कोई पैसा वैसा देने की, तो आप बात मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बारी आई, सामने हम गए बैठे, बोले क्या बात है। मैंने कहा सर वीडियो एग्ज़ाम की डेट, कहे देखिए एक बार आइए चाहे 10 बार आइए, मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जून महीने में एग्ज़ाम होगा, प्रोसेस चल रहा है। हमने कहा सर बजट पास हुआ कि नहीं, कहे उन्होंने साफ साफ, मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर बजट पास हुआ कि नहीं, उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि बजट आपको लाना है, आपको बजट देना है। मैंने ही बोला, फिर मैंने कहा सर क्या किसी एजेंसी को टेंडर दिया जा चुका है एग्ज़ाम का? बोले 5 अप्रैल को मीटिंग है, और उस मीटिंग में किसे टेंडर दिया जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा सर 13 से 17 के बीच में मीटिंग होने वाली थी, क्या मीटिंग हुई? उन्होंने साफ साफ मना किया कि ऐसा कुछ हम आपको अंदर की खबर नहीं दे सकते हैं, पर अभी मेरी फाइनली मीटिंग 5 अप्रैल को है। चलिए, मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या सर वो सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे जो जिनके लिए फॉर्म फिल किया था और एडमिट कार्ड आया था, बट वो किसी पर्सनल रीजन से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे? उन्होंने बोला बिल्कुल दे सकते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन था कि क्या सर जो बच्चे SSC इक्विवेलेंट डिग्री रखे हैं, क्या उनके लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं, उससे वो एग्ज़ाम देने के अवेलेबल होंगे, या DBPST में कोई प्रॉब्लम आएगी? उन्होंने कहा नहीं, DBPST में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने कहा सर फिर भी एक क्लू दे दीजिए कि मैं जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा या लास्ट में? तो उन्होंने बोला कि बेटा 15 जून के आफ्टर ही एग्ज़ाम होने वाला है, और ये एग्ज़ाम 30 तक हमें करा लेना है, ठीक है। अगर हम इस एग्ज़ाम में जून से लेट करते हैं तो ये और भी डिले हो सकता है, उसमें कुछ और कारण है, शायद तुम्हें भी पता होगा कि एग्ज़ाम स्टे भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का तो आधा ये सही है, बट हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी किसी के थ्रू कोई किसी से रिश्वत ऐसे कुछ बात करता है तो आप ज़रूर आयोग को सूचना दें। नंबर भी है आयोग का, उन्होंने नंबर भी दिया, वो पर्सनल नंबर मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता। तो ये सारी बातें मेरी हुई, लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आपका प्यार दुलार चाहता हूँ, और चाहता ये भी हूँ कि आप अगर आपको ये लगता है कि मैंने वाकई आपके लिए कुछ कार्य किया है, तो कम से कम आप एक नहीं 10-10 लोगों के पास मेरी वीडियो भेजिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी अड्डा 95 परिवार बढ़वाइए। ये परिवार आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कभी आपसे 1 रुपये की मांग की हो, या कभी कोई चैनल या कोई कोर्स बेचने की बात की, या कोई बुक को रिफ़र किया हो कि ये बुक पे प्रेशर दिया हो कि खरीदिए, नहीं ना, मैं आपके लिए एकदम लगा हूँ जी जान से। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी स्टडी अड्डा 95 और अपने चहेते सर पवन सर का साथ ज़रूर दीजिएगा। और
उसके बाद फाइनली सर ने कहा कि भाग भाग आने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जाके तैयारी करो, मेहनत से करो, और इस बार ज़रूर हो जाएगा आप सबका। और उन्होंने कहा कैंडिडेट कम है पर फाइट ज़्यादा है, ये आप लोग बात मान लीजिए, और आज बच्चे नहीं है बात करने के, तो आप समय भी आपको अच्छे से मिल रहा है, और भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने कहा सब प्रेशर फील कर रहे हैं हम लोग एग्ज़ाम को लेकर के, और कब होगा इसका अलग प्रेशर रहता। उन्होंने कहा एग्ज़ाम को लेकर प्रेशर फील करना अच्छी बात है, पर कब होगा ये लेकर के आपको बहुत बुरी बात है। समय तो है आपके पास, पर अब जैसे आपने 5 साल काट लिए बेटा, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। तो मैं हम लोग खुश हो गए, थोड़ा सा अच्छा लगा। और बाहर आकर के जो और भी 3 4 कैंडिडेट थे, मैंने सबको बताया कि देखिए मेरी बात हो गई है आयोग में और अच्छे से मुझे बात हुई, तो सभी लोग लगातार मुझे मैसेजेस कॉल्स कर रहे हो कि सर क्या हुआ क्या हुआ, तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। बार बार कॉल ना करिए प्लीज़, और कॉल नॉट अलाउड है आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। हाँ मैसेज के ज़रिए आपको मैं जवाब देता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैसेज के ज़रिए। हाँ कुछ नमूने ऐसे भी हैं जो मुझे डिमोट कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए, लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं, आप ये कर रहे हो कर, इसके लिए कुछ करना चाहिए या फिर इन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए भोगने के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आपको, तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मैं पवन सर, आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।